हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जब जब दुनिया में सांप का नाम लिया जाता है, तब तब लोगों के मन में दहशत मच जाती है। जी हां, अकेले भारत में ही हर साल 50,000 से ज्यादा लोग सांप के काटने से मारे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सिर्फ 10% ही ऐसे सांप होते हैं जो कि जहरीले होते हैं। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि दुनिया में सांपों की बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के कुछ सबसे अलग किस्म के सांपों के बारे में बताने वाले हैं। आपको हम ऐसे स्नेक्स दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस नेक काम में देरी मत कीजिएगा। पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी सांप को उड़ते हुए देखा है? जी हाँ, उड़ता हुआ फ्लाइंग स्नेक। अगर नहीं देखा है तो अब देख लीजिए। इसका नाम है पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक और ये एकमात्र ऐसा सांप है जो कि उड़ने के लिए जाना जाता है। आपको लगता होगा कि कोई भी जानवर बिना पंख के कैसे उड़ सकता है। पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक एक्चुअली उड़ते नहीं है बल्कि स्लाइड करते हैं। ये जब हवा में होते हैं तो अपनी बॉडी के आकार को ऐसे बना लेते हैं मानो उड़ने के लिए बने हो। ये तकरीबन 100 मीटर की डिस्टेंस को उड़ते हुए कवर कर सकते हैं। पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। हालांकि ये सांप बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते, तो अगर ये कभी उड़ते हुए आपके सिर पर आकर गिर गए तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये छिपकलियों को ज्यादातर अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन आप देखिए कि कैसे यहाँ पर ये सांप उड़ता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। अगर किसी ने इस तरह की किसी फ्लाइंग स्नेक को देखा है तो समझिए कि उसकी जान निकल जाएगी। लेकिन क्या तरीका है इनका, लॉन्ग जंप मारते हैं ये सांप। दोस्तों, जब ये जंप मारते हैं तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हैं। क्या बात है, इनका एक पैट स्टाइल होता है जब ये जंप मारते हैं, स्पिनी बश वाइपर। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और कमाल का सांप। जी हाँ, इस स्नेक को देखने के बाद ये कहना मुश्किल हो जाता है कि ये वाकई में सांप ही है या कोई ड्रैगन। इस सांप को ड्रैगन स्नेक भी कहा जाता है और वो इसलिए क्योंकि ये दिखता बिल्कुल ड्रैगन की तरह है। दोस्तों, ये सांप सेंट्रल एंड ईस्ट अफ्रीका के कॉन्गो, साउथ वेस्टर्न युगांडा, वेस्ट कीनिया और नॉर्थ वेस्टर्न तंजानिया में पाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सांप जहरीला होता है। अगर एक बार किसी इंसान को ये डस ले तो जिंदा बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। स्पिनी बुशवाइपर पेड़ पर भी चढ़ने में सक्षम है। मेल स्पिनी बुशवाइपर की टोटल लंबाई 73 सेंटीमीटर तक होती है, वहीं फीमेल की लंबाई मैक्सिमम 58 सेंटीमीटर होती है। सरप्राइजिंगली, मेल स्पिनी बुशवाइपर फीमेल से कहीं ज्यादा लंबे और पतले होते हैं। ये तीन कलर्स में पाए जाते हैं, ब्लू, ब्राउन और ग्रीन। इन्हें जंगल में शिकार करना बहुत पसंद होता है। ये छोटे छोटे इंसेक्ट और चूहों को खाते हैं। ये बहुत ही तेज गति से रेंगते भी हैं। वाकई में इनकी स्पीड को देखने के बाद कोई भी एक बार चौंक जाए। कहते हैं कि ये जहां भी होते हैं आसपास के एरिया में आपको कोई जीव नजर नहीं आएगा क्योंकि ये किसी को छोड़ते नहीं है। रातों को भी शिकार करने में उस्ताद होते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हमारी पूरी टीम आपके लिए खूब मेहनत करती है। जी हाँ, हमारी टीम आपके लिए खूब सारे वीडियोस बनाती है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अपना प्यार जरूर देंगे। बारबाडोस थ्रेट स्नेक। दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चल गया होगा कि ये वेस्ट इंडीज के बारबाडोस में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बारबाडोस थ्रेट स्नेक दुनिया के सबसे छोटे स्नेक होते हैं। आज तक के इतिहास में जो सबसे लंबा बारबाडोस थ्रेट स्नेक पाया गया है उसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर रही है। ये इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी इनके काटने से आप बेहोश हो सकते हैं। अपने बेहद छोटे शरीर की वजह से ये बहुत ही छोटे छोटे इंसेक्ट्स को अपना शिकार बनाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन हमला करने में उस्ताद होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कम से कम जहरीले नहीं होते। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं, सबसे छोटे के साथ साथ ये सबसे क्यूट स्नेक भी होते हैं, ब्लू कोरल स्नेक। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस सांप को मैलियन कोरल स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। ये साउथ ईस्ट एशिया के ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और बर्मा में ज्यादातर पाए जाते हैं। ये सांप इंसानों के लिए जानलेवा होते हैं। ये दुनिया के एकमात्र सांप हैं जिनकी पूरी बॉडी जहरीली होती है। इनके नाम से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि इन्हें ब्लू कोरल स्नेक क्यों कहा जाता है। इनका मुंह तो ऑरेंज कलर का होता है, बाकी शरीर इनका ब्लू कलर का होता है। आपको मैं एडवांस में ही बता दूं कि अगर इस सांप ने किसी को डसा तो मौत दर्दनाक होती है। वो इसलिए कि ये आपके सिर के सारे पार्ट को बाकी शरीर से अलग कर देते हैं। सो ज्यादा अच्छा होगा अगर आप इन्हें देखकर भाग जाएं। जी हाँ, ये सुपर खतरनाक सांप होते हैं। कहा जाता है कि ये अग्रेसिव भी बहुत ज्यादा होते हैं। द स्पाइडर टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर। दोस्तों, ये सांप बहुत ही खतरनाक होते हैं। एशिया के ईरान में पाए जाने वाले इस सांप को देखकर लगता है मानो ये किसी चट्टान का कोई छोटा सा पार्ट हो, लेकिन ये जहरीले सांप होते हैं। अगर ये डस ले तो इंसान के शरीर के सारे मेजर ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। रिजल्ट, आपकी मौत पक्की। इस सांप
की पूंछ बिल्कुल एक छिपकली की तरह होती है। दुनिया के ये कुछ ही स्नेक हैं जो अपनी बॉडी को यूज करते हैं अपना शिकार ढूंढने के लिए। ये चुपचाप किसी चट्टान के पीछे जाकर बैठ जाते हैं, दिखते भी चट्टान की तरह। ऐसे में इन्हें किसी के लिए पहचान पाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्या पहचान पाए इन्हें, है कि नहीं? ये भी बहुत ही अजीब सा सांप है। ऐसा लगता है मानो वाकई में किसी चट्टान का ही हिस्सा हो। तभी तो कहा जाता है कि ये सांप बहुत ही आसानी के साथ अपना शिकार ढूंढ लेते हैं। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि कैसे इन्होंने एक बड़े से पक्षी को शिकार कर लिया। क्या बात है, इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि ये सांप है। क्या बात है यार, ईस्टर्न होग नोज्ड स्नेक। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि इस सांप का नाक बहुत ही अलग होता है, क्योंकि दुनिया के दूसरे सांपों के लिहाज से इनका चेहरा या कह लें कि इनकी नाक बहुत बड़ी होती है। ये सांप सिर्फ अमेरिका कनाडा में होते हैं। ये सांप भी छिपकली चूहे और मेंढक को खाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहरीले से जहरीले मेंढक को ये खा लेते हैं, लेकिन इनके पास खुद का कोई जहर नहीं होता। अगर ईस्टर्न हॉग नोज स्नेक ने इंसान को काट भी लिया तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपके शरीर में सूजन आ सकती है। आपको बता दूं कि जब भी ये सांप किसी इंसान को देखते हैं तो पहले ये कोबरा की तरह फुंकार मारते हैं, लेकिन जब इन्हें लगता है कि इंसान इनसे डर नहीं रहा तो ये खुद ही वहाँ से भाग जाते हैं। कई बार तो ये ऐसे एक्टिंग करते हैं मानो मर चुके हों। क्या बात है, इस सांप को देखकर पता चल गया कि ये बड़े ही ड्रामेबाज होते हैं। यहाँ पर भी आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ब्लैक मांबा। अल दोस्तों, ये सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। ये सांप अफ्रीका के सहारा जंगलों में होते हैं। इन्हें इनके ब्लैक कलर के जबड़े के लिए जाना जाता है। ब्लैक मांबा को छोटे चिकन खाना बहुत पसंद है। ये सांप तकरीबन 2 मीटर लंबे होते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये इंसानों से लंबे होते हैं। ये सांप जब भी किसी को काटता है, जिंदा बचने के लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा 40 सेकंड होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ये सांप जनरली हमला नहीं करते, ये खुद ही अवॉइड करते हैं कि किसी के सामने ना आए। लेकिन जब एक बार इनका हमला होता है तो फिर किसी के लिए बचना संभव नहीं होता। जी हाँ, साथ ही ये भी बता दूं कि इनके जहर से कई तरह की मेडिसिन भी तैयार की जा चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, कम से कम 100 मीटर की दूरी इनसे बनाकर ही रखें। रेड स्प्रिंग कोबरा। वेल दोस्तों, ये सांप आपको अफ्रीका के डिजिबोटी, एरिट्रिया, सोमालिया, साउदर्न इजिप्ट, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इथोपिया, नॉर्दर्न तंजानिया और नॉर्दर्न सूडान में दिख जाते हैं। अब आप सवाल कर सकते हैं कि क्यों इन्हें स्पिटिंग कोबरा कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सांप डंक मारने के साथ साथ अपने जहर को थूक की तरह इंसानों के चेहरे पर फेंक सकते हैं, जिसकी वजह से संभव है कि आपकी आंखें पूरी तरह से अंधी हो जाएं। इनकी लंबाई मैक्सिमम 2 मीटर तक की होती है। ये भी अन्य सांपों की तरह छोटे छोटे चूहे, छिपकली और इंसेक्ट को खाते हैं। ये सांप भी शिकार करने में बहुत ही एक्सपर्ट माने जाते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि ये स्नेक सबसे ज्यादा एक्टिव भी होते हैं। डबल हेड स्नेक। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 2 मुहा सांप का घर में आना सौभाग्य की निशानी होती है। कहीं तंत्र मंत्र की मान्यताओं के मुताबिक इस सांप को धन प्राप्ति क्रियाओं के लिए उपयोग किया जाता है, तो कहीं इसे कामोत्तेजक या अन्य दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी कारण सांप की कीमत करोड़ों रुपए तक की होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।